fashion lovers, welcome back to my channel Fashion Lover Tanushree. And yes, I'm Tanushree. Hope you all are doing well, friends. And today in this video, I'm sharing with you, agar aapke makeup box pe ek pink aur ek brown lipstick hai, to you are just sorted. आप अपनी वो दो लिपस्टिक से अपनी फुल फेस को कवर कर सकते हैं, अपनी फुल फेस मेकअप कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बेसिक चीज़ की ज़रूरत है एंड दैट्स इट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप वही देखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी ये दो कलर की लिपस्टिक को, यानी कि पिंक और ब्राउन लिपस्टिक को, अपनी फुल फेस को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये बिल्कुल भी एक नया टाइप की वीडियो होगा, आप लोग बता सकते हैं, एक मेकअप चैलेंज होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड, विदाउट गिविंग एनी इंट्रो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कर देना इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी जरूर हिट कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि कैसे मैंने टू लिपस्टिक्स यूज करके ये फुल फेस मेकअप को कवर किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एट फर्स्ट मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ करूँ हिमालया का फेयरनेस क्रीम, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी स्किन पे ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल भी पैची नहीं है मेरी स्किन पे, और बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है और इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का रेडियंट फाउंडेशन, और यहाँ पर मेरा शेड है नेचुरल पर्ल। मैं डॉट डॉट करके इसको अपनी पूरी फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लूँगी। अब एक स्पॉन्ज की हेल्प से मैं अपनी फाउंडेशन को अपनी स्किन में ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं अपनी स्किन पे अप्लाई करूँगी कंसीलर, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँ कलर एसेंस का कंसीलर इन द सेट FS5 बेज, और मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने अंडर आई पे। अच्छे से अपनी अंडर आई पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी, और मैं इसे अपनी आई लिड पे भी अप्लाई कर लूँगी आई प्राइमर के हिसाब से, और नोज़ ब्रिज पे, अपनी क्यूपिड्स पे, अपनी फोरहेड्स पे थोड़ा सा मैं अप्लाई कर लूँगी। अब सेम स्पॉन्ज की हेल्प से मैं अपने कंसीलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ओरिफ फ्लेम का फाउंडेशन रेडियंट पाउडर एज कम्पैक्ट पाउडर, और मैं एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी अपनी फेस को सेट करने के लिए। अब यूज़ करूँगी मैं लिपस्टिक का अपनी फेस मेकअप को कंप्लीट करने के लिए, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ L18 का ब्राउन कलर की एक लिपस्टिक, और सबसे पहले मैं उसे यूज़ कर रही हूँ एज आईब्रो पेंसिल, और मैं एक ब्रश की हेल्प से, मेकअप ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से इस लिपस्टिक को अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए यूज़ करूँगी। अब वही सेम कलर को मैं अपनी आई लिड को फिल करने के लिए, आई शेडो के हिसाब से भी यूज़ करूँगी, आई शेडो बेस के हिसाब से भी मैं सेम ब्राउन कलर को यूज़ करूँगी, और अच्छी तरीके से अपनी सारी आई लिड पे इसे प्लेस करूँगी। अब मैं अपने फिंगर की हेल्प से वही सेम ब्राउन कलर को अपनी आई लिड पे दोबारा से प्लेस कर रही हूँ, थोड़ा सा डार्कर शेड पाने के लिए। अब मैं एक स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी, और देन मैं वो सेम ब्राउन कलर की लिपस्टिक को यूज़ करूँगी एज कंटूर पेंसिल, और अपनी फेस को डिफाइन करने के लिए, अपनी
फेस पे मैं थोड़ा सा कंटूर करूँगी, थोड़ा फोरहेड पे, नोज़ ब्रीच पे, थोड़ा चिक्स की एरिया पे मैं कंटूर। अब बारी आती है ब्लशर की और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हिलारी हुडा का पिंक कलर का लिपस्टिक, जिसे मैं अपनी चीक्स पे प्लेस करूँगी और फिर एक ब्रश की हेल्प से उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये एक ब्लशर का इफ़ेक्ट मुझे दे। मैं अच्छे से अपनी ब्लशर को ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद मैं सेकेंड टाइम और एक बार वही सेम कलर की लिपस्टिक को यूज़ करूँगी, बिकॉज मुझे लगता है और थोड़ा सा कलर की मुझे ज़रूरत है ब्लशर के हिसाब से, तो मैं सेकेंड टाइम इसे अप्लाई करके सेम ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। आप अपनी फेस मेकअप को अच्छी तरीके से फिनिश लुक देने के लिए मैं वही सेम पिंक कलर की लिपस्टिक को यूज़ कर रही हूँ आई शेडो के हिसाब से, और मैं अपनी पिंक लिपस्टिक को आई लिड की कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगी, मैं बस कॉर्नर पे ही प्लेस करूँगी और फिर एक ब्रश की हेल्प से उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि एक बहुत ही अच्छा सा एक ब्राउनिश पिंक इफ़ेक्ट मुझे मिले। अब मैं फिर से ब्राउन कलर की लिपस्टिक को यूज़ कर रही हूँ मेरी लोअर आईलिड पे फील करने के लिए। मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लोअर आईलिड पे प्लेस कर रही हूँ और फिर एक ब्रश की हेल्प से उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, और मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर की लिपस्टिक मेरी इनर आई कॉर्नर पे भी प्लेस कर रही हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। एंड फाइनली मैं अपने आई लुक को कंप्लीट करने के लिए मस्कारा की यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और इसकी हेल्प से मैं अपनी लोअर आई लैशेज एंड अपर आई लैशेज दोनों को ही अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लूँगी और थोड़ा सा सेपरेट और डिफाइन कर लूँगी मस्कारा की हेल्प से। अब फाइनली बारी आती है लिप्स की। लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वही हिलारी हुडा की पिंक कलर का लिपस्टिक और मैं इसे अपनी लिप्स को अच्छी तरीके से फिल कर लूँगी। बट इसे फिल करने के बाद मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए मुझे थोड़ा सा कंटूर के हिसाब से थोड़ा ब्राउन लिपस्टिक को भी इन करवाना चाहिए और मैं ब्राउन लिपस्टिक को इन करवा। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक गाइस। मेरी पूरी फेस मेकअप कंप्लीट हो चुकी है और मैंने अपनी इस मेकअप के साथ इन किया है एक झुमका को, जो कि पेपर झुमका है और जिसे मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से, उसी झुमके को मैंने इन किया है इस मेकअप लुक के साथ, बिकॉज मुझे लगता है पिंक कलर बहुत सूट कर रहा था।